इस नंदीशाला का जो कहीं ना कहीं जो काम है वो 2.5 करोड़ की लागत से इसको शुरू किया गया है, और साथ में ही 2.5 करोड़ की लागत से एक और नंदीशाला जो है वो बनाई जा रही है। देख रेख के लिए कोई भी नहीं आया, इनको चले गए यहाँ से, खोल दी फिर कौन देखता जी। नंदियों को बुलाया गया था, गले में माला पहनाई गई थी, और कहीं ना कहीं वो नंदी जो है देखकर खुश तो होंगे, कहीं ना कहीं हमें आशियाना मिल गया, लेकिन उन्हें भगाया गया या वो खुद चले गए, यह सबसे बड़ा सवाल है। नंदीशाला जो है फिलहाल चलता हुआ नजर आ रहा है कागजों में, लेकिन यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था आपके सामने है, चारों तरफ गोबर नजर आ रहा है। पीछे जी शाम को जाते हैं जी, कोई घास नहीं बनता जी, घास कौन पाएगा। तो यहाँ घास को कोई इंतजाम नहीं किया गया, पानी का कोई इंतजाम नहीं किया गया। पानी का तो है सर, पानी का तो है, घास कोई भी नहीं, घास नहीं है। अभी फिलहाल वार्ड 20 में नंदीशाला का जो कहीं ना कि उद्घाटन किया गया, उस नंदीशाला के उद्घाटन कार्यक्रम के बाद जब उद्घाटन जो हो चुका था उस नंदीशाला शेड के अंदर, देखिए फिलहाल ये शेड का इंजाम हो चुका है, और शेड का इंजाम होने के बाद जो यहाँ पर पहले दिन अगर बात करी जाती है तो पहले दिन यहाँ पर नंदियों का कहीं ना कहीं स्वागत भी किया गया था, या कहा जाए कि नंदियों को यहाँ पर बुलाकर वहाँ पर उनके गले में माला भी पहनाई गई थी, क्योंकि उद्घाटन करने के लिए स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी ने यहाँ पहुँचना था और पहुँचे भी थे, और उसके बाद आज दिखाएंगे आपको इस चारों तरफ नंदीशाला के अंदर अगर बात की जाए तो कोई भी नंदी यहाँ पर फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ पूरा मामला। सर आप यहीं पर हैं? अभी तो यहीं पर हैं। क्या नाम है आपका? संदीप सैनी। यहाँ पर नंदीशाला जब पहले दिन आए थे तो यहाँ पे नंदील भी आए थे, उनके गले में माला ही पहनाई गई थी, उसके बाद से वो कहाँ है? 9-10 जी, दो दिन रहे सर, दो दिन बाद। कितने थे वो लोग? 10-12 थे, 10-12 नंदी थे यहाँ जी। तो उसके बाद वो कहाँ गए? उरी फिरे पीछे जी, शाम को जाते हैं जी, कोई घास नहीं बनता जी, घास कौन पाएगा। तो यहाँ घास को कोई इंजाम नहीं किया गया, पानी का कोई इंजाम नहीं किया गया? पानी का तो है सर, पानी का तो है, और दी बना, घास कोई भी नहीं, घास नहीं है। तो फिलहाल जब वो दो दिन भी रहे थे, दो दिन बिना घास के रहे थे? नहीं नहीं, घास मारने पाया जी, पड़े जी, मैं लेबर से पाया, लेबर बैठी है जी। मतलब उनकी देख रेख के लिए कोई भी नहीं यहाँ पर? कोई नहीं जी, इनको चले गए यहाँ से, खोल दी फिर कौन देखता जी। चलिए फिलहाल इनका कहना है कि यहाँ पर नंदीशाला का उद्घाटन तो कर लिया गया, और नंदीशाला का उद्घाटन करने के बाद यहाँ पर नंदियों की देखरेख के लिए फिलहाल कोई भी नहीं है। साफ सफाई की व्यवस्था की जाए तो इसी नंदीशाला का जो 2.5 करोड़ की लागत से इस नंदीशाला का उद्घाटन किया गया है, लेकिन साफ सफाई देख सकते हैं आप कि जो नंदी है यहाँ पर या फिर कोई भी गोबर जिस तरह लगातार देखिए लगातार यहाँ गिरा हुआ है, और अमूमन देखा जाता है कि साफ सफाई जो है उद्घाटन के बाद जो है उसको सुचारू रूप से चालू कर दिया जाता है, लेकिन आज की बात करी जाए तो ये नंदीशाला जो है फिलहाल चलता हुआ नजर आ रहा है कागजों में, लेकिन यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था आपके सामने, चारों तरफ गोबर नजर आ रहा है, और फिलहाल इस नंदीशाला का जो कहीं ना कहीं जो काम है वो 2.5 करोड़ की लागत से इसको शुरू किया गया है, और साथ में ही 2.5 करोड़ की लागत से एक और नंदीशाला जो है वो बनाई जा रही है, और फिलहाल कहीं ना कहीं दावे ये किए जाते हैं कि नंदीशाला जो है वो कार्यरत हो चुकी है। नंदीशाला में देखा जाए तो मशीन लगी होगी और इस मशीन से चारा काटा जाता है। अमूमन देखा होगा आपने कि घरों में जो किसान लोग होते हैं इसके चारा काटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप देखिए चारा कटकर यहां पर सूख भी चुका है, और चारा यहां पर जो है लगातार कैसे देखो सूखा पड़ा है, और ये फिलहाल चारे का हाल है। और यहां पर बताया जा रहा है कि सिर्फ एक दिन के लिए, जब विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी ने यहां का रिबन काटना था, उद्घाटन करना था, उसी दिन के लिए सिर्फ यहां पर जो लोग हैं या फिर कहा जाए कि नंदियों को बुलाया गया था, गले में माला पहनाई गई थी, और कहीं ना कहीं वो नंदी जो है देखकर खुश तो होंगे, कहीं ना कहीं हमें आशियाना मिल गया, लेकिन उन्हें भगाया गया या वो खुद चले गए, यह सबसे बड़ा सवाल है। यहां पर कुछ लोग हैं, अरे कहां जा रहे, रुको जी, रुको रुको, अरे बताइए ना, कुछ नहीं बोलेंगे फिलहाल। अगली जो रिपोर्ट है वो बने आप दिखाएंगे आपको कि अगली नंदीशाला क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, बने रहिए। देखिए आज हम यहाँ पे गांव कोट, हमारे वार्ड नंबर 20 का है, गांव कोट है ये हमारा, जहाँ पे अभी हाल ही में 14 तारीख को एक नंदीशाला का उद्घाटन करके यहाँ पे गए, और एक भारत माता मंदिर का शिलान्यास भी यहाँ पे करके गए। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले माननीय मेयर महोदय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने कार्यालय में अपने पार्षदों के साथ, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के साथ। उसमें मैं देख रहा था, हमने सुना कि उन्होंने सारा फोकस मैक्सिमम वार्ड 20 पे लगाया कि वार्ड 20 में हमने इतने करोड़ के काम हमने करा दिए। मैं उसकी हम आज ही एक सच्चाई दिखाने के लिए और एक ग्राउंड रियलिटी दिखाने के लिए हम यहाँ पे आपको निमंत्रण हमने दिया, आपको हमने आमंत्रित किया कि सिर्फ कागजों में और एक फ़ोटोबाजी में या फ़ोटोशूट में ये सरकार उलझ के रह गई। आपने देखा कि यहाँ पर जिस दिन यहाँ पर उद्घाटन हुआ 15 से 20 नंदी यहाँ पर लेके आए गए, और उनको यहाँ पर गले में माला पहना के एक बार रखा गया, और वो उसी दिन रात को यहाँ से चले गए, क्योंकि ना पे यहाँ पे कोई घास का इंतजाम, ना कोई चारे का इंतजाम, और ना नगर निगम का इसकी तरफ ध्यान। सिर्फ कागजों में पैसों की गिनती हो रही है कि ये 2.5 करोड़ का ये चीज़ बन गई, 2 करोड़ की ये चीज़ बन गई। चारों से चालू, अभी चालू तो नहीं किया गया ना नंदीशाला को? नहीं, उद्घाटन करने के बाद चालू समझा जाता है, चालू होता कैसे है? चालू तो उद्घाटन करने के बाद चालू ही तो होता है। और मैं ये भी बात पूछना चाहूँगा कि ये काउंटिंग हमारी 13 या 13.5 करोड़ रुपये अमाउंट की वो कर रहे हैं, क्या वो इसी से ये नंदीशाला सिर्फ ये वार्ड 20 के लोगों के लिए बनी है या पूरे पंचकुला कॉरपोरेशन के लिए बनी है? मैं मेयर महोदय से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मैं यही पूछना चाहता हूँ कि क्या इसमें सिर्फ यहाँ वार्ड 20 के ही नंदी आएंगे, जबकि इन्होंने हिसाब लगा के सारा अमाउंट जोड़ के वो हमारे
13.5 करोड़ रुपए वार्ड नंबर 20 के लिए। आप ये कहना चाहते हो जो ये नंदीशाला का उद्घाटन हुआ है ये वार्ड 20 का नौके पूरे पंचकुला का है? वह बिल्कुल, जब नंदीशाला बनी है तो उधर पंचकुला का, और नंदी आज आप अभी चल के आए हैं पंचकुला से यहाँ तक गांव कोट तक, आपने रास्ते में जगह जगह देखे 15-15, 20-20, 30-30 के झुंड जो नंदियों के हैं वो सड़कों पे धक्के खाने के लिए मजबूर हैं। ना उनके खाने का कोई इंतजाम, ना उनके चारे का, ना कोई उनका पानी का। ये सिर्फ एक ढकोसलेबाजी करने से या एक नाम करने से, अपने नाम प्लेट लगाने से मसला हल नहीं है। यहाँ पर आपको अभी चारे की व्यवस्था वगैरह कुछ नजर आ रही है? करनी चाहिए नगर निगम, जब हम इसने 5 करोड़ रुपये इस पर लगा रहे हैं, 2.5 करोड़ का हमने एक सेट बनाया, 2.5 का और हमारा बन रहा है, और हम इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट, ये चारे का तो इंतजाम करके यहाँ पे नंदी तो इससे पहले आ जाने चाहिए थे, ताकि और हमने लोगों की समस्या से निजात पाने के लिए तो हमने नंदीशाला बनाई, और वो निजात ज्यों के त्यों है, तो फिर इसमें नामकरण करने से क्या? पहले दिन नंदीशाला नंदी को बुला के आप गले में माला पहनाना क्या औचित्य था? हाँ, वो दिखावा था, दिखावा, जो जो इनकी एक आदत है दिखावा करने की, अब सिर्फ मात्र वो एक दिखावा था। अभी बात बताओ, जिस पब्लिक के लिए, जिस जनता के लिए, जिस वार्ड वासियों के लिए हम कोई ना कोई सुविधा लेने की बात करते हैं, उस वार्ड वासियों को अगर उनका कोई सुविधा का लाभ ही ना मिले, नंदीशाला सर गाँव कोट के लिए, गाँव कोट की गलियों के हालात तो देखो, इस गाँव का स्कूल माननीय स्पीकर महोदय के भी समक्ष लोग पेश हुए, माननीय मेयर महोदय के भी समक्ष पेश हुए, हम भी इस गाँव के स्कूल की जो बिल्डिंग यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उस गाँव की इसके स्कूल की बिल्डिंग को PWD विभाग द्वारा कंडम घोषित किया हुआ है, और जो बारे में आप बताओगे तभी तो काम होगा ना सर? नहीं, कंडम घोषित किया हुआ, लेकिन ये कि देखो, हम ये तो कह रहे हैं कि इस चीज़ पे पैसे खर्च रहे हैं, जहाँ पे बच्चों के दबने का खतरा है, और वो बच्चे उस कंडम बिल्डिंग में आज भी स्टडी कर रहे हैं। हमने ये बार बार कहा कि इनको कहीं ना कहीं स्कूल का इंतजाम गाँव का होना चाहिए, वो उसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं, एक सिर्फ अपना जो सिर्फ फोटोशूट का है या अपना नाम करने का है, उस चीज़ पर ध्यान दिया जा रहा है।